आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ट्रिपल मर्डर के बाद नगला किशनलाल में प्रदेश और केंद्र स्तर के नेताओं का आगमन जारी है। मंगलवार को बसपा नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष गया चरण दिनकर के नेतृत्व में बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पहुंचा, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की और हत्यारों को प्रदेश सरकार से जल्द सजा दिलाने की मांग की। बसपा के SC/ST मामलों के प्रदेश प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष गया चरण दिनकर के नेतृत्व में बसपा का डेलीगेशन नगला किशनलाल पहुंचा। बसपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना प्रदान कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, बसपा हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है। मैं दौरा करने नहीं आया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशी बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उनके निर्देश पर मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। आप सभी को मालूम है कि श्री रामवीर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा और उनके सुपुत्र दिनेश, इन तीनों की 30 अगस्त को निर्मम हत्या की गई है। परिवार के लोगों ने बताया कि तीनों की क्रूरतम ढंग से हत्या की गई है, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, तीनों के मुंह में पट्टियां बांधी गई थी और ज्वलनशील पदार्थ डाल करके तड़पा तड़पा करके तीनों को मारा गया। इससे गंभीर और इससे संवेदनशील कोई घटना हो नहीं सकती। बसपा नेता ने नगला किशनलाल की घटना के साथ ही नगला विधिजन मामले पर भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार में बैठे लोग संवेदनशील हैं। देखिए, अपराधी कोई हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जाति और धर्म के प्रभाव में या दल के प्रभाव में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने पीड़ित परिवार से बात किया है तो पीड़ित परिवार का कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है, लगभग वो उससे संतुष्ट। लेकिन ऐसी बड़ी घटना के लिए जो भी जिम्मेवार हों, जो भी दोषी हों, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। NSA की कार्रवाई में उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है, उन्हें लगे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ न्याय कर रहा है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, सुरक्षा का भी भाव पीड़ित परिवार के प्रति पैदा हो और ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिसका संदेश अपराधियों में जाए, ताकि वो दोबारा हिम्मत न जुटा सके। इस डेलीगेशन में पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग गोरेलाल, पार्टी मंडल जोन संयोजक संतोष आनंद, पार्टी जिलाध्यक्ष विमल वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतेंदु अरुण सहित सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।